हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हम रेलवे एनटीपीसी के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं, आज की डेट में मैं आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तथा उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको साथ में कराता चलूँगा। फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके पास अभी 90+ डेज हैं और डेली इसी तरीके के वीडियोज़ आप देखते रहेंगे तो निश्चित आपको एक बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। आप अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखिए, उन क्वेश्चंस को लिखिए। हर सैटरडे और संडे कोई वीडियो नहीं आएगा तो आप उसे रिवीजन करिए, और जो भी आपको उससे दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं, कौन से टॉपिक से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है आपको आप बताइए। देखिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई में इन्वॉल्व होंगे, एग्ज़ाम आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सबके चक्कर में मत पड़िए कि आपको यहाँ भी मिल गया वहाँ भी मिल गया। अगर आप एक जगह रुक करके पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास पढ़ रहे हैं या किसी के पास भी पढ़ रहे हैं, आपको एक जगह रुकना है और विद्वत पढ़ना है। क्योंकि जो भी इंसान, आप अपने लिए इतना कुछ नहीं कर सकते हैं जो आपके लिए दूसरा कुछ मटेरियल, क्योंकि उसका काम क्या है, वो आपको केवल मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है तो आपके लिए बेस्ट मटेरियल लेके ही आएगा, ठीक है। और आप इतना ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं कहीं से भी। आप एक बुक ले आते हैं उसको साल भर में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मीन्स है कि जहाँ से भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और प्रॉपर तैयारी करते हुए चलें, ठीक। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, खुद की पीडीएफ बना लिया करिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे करिए आप, बट पढ़िए आप। चलिए शुरू करते हैं। जो ये देखिए आपका सारे एग्ज़ाम्स के लिए है, अब तो ग्रुप डी का भी देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फिर से ग्रुप डी को पेपर दे सकते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, अभी मैं कुछ दिनों के बाद ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर भी कराने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी। और साथ में देखिए मैं हिस्ट्री केमिस्ट्री और ये आपकी चला ही रहा हूँ, करंट अफेयर चला रहा हूँ, तो इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए ज्यामिति का जो जनक है, सबसे पहले ज्यामिति शब्द का क्या अर्थ है वो जान लीजिए आप। देखिए ज्यामिति जो होता है उसका अर्थ होता है कि जमीन को नापना। मिस्र में इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है, मिस्र में इसका प्रारंभ हुआ था। कह रहे हैं जो यूक्लिड जो है एक अलेक्जेंड्रिया के सरकारी स्कूल में गणित का अध्यापक थे, ठीक है। ये यूक्लिड जो थे अलेक्जेंड्रिया के स्कूल में गणित के अध्यापक थे। यूक्लिड को ही जो है ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उन्होंने ज्यामिति के सभी ज्ञात तत्वों का संग्रह करके उन्हें सुव्यवस्थित किया है। तो जो यूक्लिड हैं उनको ही क्या कहा जाता है, ज्यामिति का जनक कहा जाता है, यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड मेथड। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया। अब चालुक्य राजा कौन थे जिन्होंने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जिस समय चालुक्य राजा जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणा पश्चिम अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, उस समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन अनेक राजाओं को जीतकर अपनी अधीनता में करने में व्यस्त था, ठीक है। तो इसमें इतनी ही बात आपको पता चल गई है कि किस चालुक्य राजा ने, तो पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य राजा था जो दक्षिणापथ में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, और उसी समय भारत में हर्षवर्धन अनेक राजाओं को जीतकर अपनी अधीनता में करने का व्यस्त कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। ये आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा, ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन असंगत है। तो पहला कथन देखिए, कह रहे हैं यह कानून के शासन को विधिवत करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र के नियम की पुस्तक है, यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख तो है, ठीक है, एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत क्या है कि देश की सरकार जो है वो कार्य करती है, और यह जो है यह संविधान क्या करता है, यह संविधान जो है वो देश के विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था
तथा उसके अधिकारों उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि यह एक कानूनी दस्तावेज है, तो ये गलत है, ये एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक मौलिक कानूनी आलेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा के ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। अब देखिए, भारत की संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में इतने पता होना चाहिए कि जो 24 तीलियां हैं तथा ध्वज की 24 तीलियां, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ध्वज की लंबाई का रेशियो ये पूछा जाता है, 3:2 का रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम, 3:2। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। देखिए, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता तो सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं मूल रूप से बांग्ला के रचित और संगीतबद्ध जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, इनके द्वारा रचा हुआ। कह रहे उसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है ना, जबकि वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसे किसने किया है? उसे बंकिम चंद चटर्जी ने किया। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और जो हमारा राष्ट्रगीत है बंकिम चंद चटर्जी द्वारा वो है आपका वंदे मातरम। तो इसे आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? अब बताना है आपको गणतंत्र का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि शासक राजा या रानी होती है। दूसरा ऑप्शन है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य यही है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, मतलब किसी वंश के अकॉर्डिंग किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को नियुक्त नहीं किया जाएगा। वह भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंगल ग्रह को किस रूप में जानते हैं। देखिए, मंगल ग्रह सबसे पहले तो सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम क्या होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके अलावा ये है कि जो मंगल ग्रह है इसको सुबह का तारा तो नहीं कहते हैं, शाम का तारा नहीं कहते, लाल ग्रह, नीला ग्रह, पृथ्वी हो गई, सुबह या भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र को बोलते हैं। जो लाल ग्रह है वो हम किसको बोलते हैं? मंगल को बोलते हैं। और लाल ग्रह इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंगल के वायुमंडल में 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड है और 27.2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन और जबकि 0.15 ऑक्सीजन एवं 0.03% जल पाया जाता है। और इसके बारे में इतना जान लीजिए कि यह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है 686 दिनों में, मान लीजिए 686 लगभग कुछ पॉइंट में होता है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे छोटा, बृहस्पति सबसे बड़ा, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सबसे चमकीला तारा भी है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपको। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, देखिए सभी वर्त जो है, देखिए बृहस्पति हो गया, बुध एवं पृथ्वी आदि ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र हो गए और अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं। ठीक है, शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, पृथ्वी के सबसे पास पूछ दिया जाए कौन सा ग्रह है तो वो आपका शुक्र है, और सूर्य से दूसरा ग्रह जो है वो कौन सा होगा? बुध, शुक्र, वो भी शुक्र है। और सौरमंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे
बड़ा कौन सा ग्रह है? छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा शुक्र। तो शुक्र के बारे में इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। दबाव को से नापा जाता है, अब दबाव को किससे नापा जाता है वो आपको बताना है। द्रव्यमान एवं घनत्व इससे नापा जाता है, बल एवं क्षेत्रफल, बल की दूरी। देखिए दबाव को नापा जाता है, दाब होता क्या है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो इसको जो मापा जाएगा वो बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाएगा। और इसका एसआई मात्रक अगर पूछ दे तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या लग जाएगा? प्रति, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक। इसके अलावा दाब का एक और मात्रक होता है जिसको क्या बोलते हैं? पास्कल। और आपको क्या पता होना चाहिए दाब कैसी राशि है? तो दाब एक अदिश राशि है, इतनी चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? अभी देखिए मैंने आपको बताया दबाव की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से विषम को चुने। अब देखिए गति, संवेग, विस्थापन, वेग, इनमें से विषम क्या है? तो विषम आपको इसमें सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में बताना है। देखिए ए नंबर जो गति लिखी है वो एक कैसी राशि है? गति कैसी राशि होती है? गति में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, तो ये एक अदिश राशि है। लेकिन बाकी जो सारी राशि हैं वो सदिश राशि में दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी का घनत्व क्या है? अब आपको बताना है पानी का घनत्व क्या है। देखिए सबसे पहले आपको घनत्व का फार्मूला पता होना चाहिए, इसे डेंसिटी बोलते हैं। तो घनत्व बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे आयतन, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो पानी का घनत्व होता है वो होता है 1000 किलो घन मीटर, कितना होता है? 1000 किलो घन मीटर। कुछ पदार्थों के घनत्व आपको पता होने चाहिए, जैसे बर्फ हो गया, बर्फ का घनत्व जो होता है वो 920 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, ये चीज़ याद रखनी चाहिए, 920 केजी प्रति मीटर। अगर आपको जल का पूछा जाए तो आपको यहीं पे लिखा है ये वाला ऑप्शन आपका। इसके अलावा लोहा का कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो लोहा का होता है 7800 केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक, ये होता है। पारा एक होता है, पारा का क्या होगा? पारा का होगा 13600 केजी प्रति मीटर क्यूब, इतनी जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? देखिए सूर्य की ऊर्जा सभी को पता है कि परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा। तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सीधी सी बात है, सूर्य की ऊर्जा आपके परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। ये रटा क्वेश्चन है, इसके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखते हैं तो 2 और 6 होता है, अर्थात जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है पूछा गया, अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। ये जो गुरुत्वाकर्षण लिखा है ये कोई रासायनिक प्रतिक्रिया तो है नहीं, क्योंकि ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है, ये आपके का नियम है। तो बस ये एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण होता, ये फार्मूला यहीं पे आप पढ़ लीजिए, होता क्या है? एफ बराबर क्या होता है? जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है कि किन्हीं ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच, जो ब्रह्मांड में जब कोई भी दो वस्तुएं आपस में जो होती हैं एक दूसरे उनके बीच एक बल लगता है, वो जो बल होता है उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही फार्मूला होता है। तो इसमें जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? देखिए जो होमी नलेटी है, होमी नलेटी को ही
जल्दी से खोजा गया है। तो इसको याद रखिएगा, होमी नेलेटी डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या है, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन या जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण है, तो आपको ये बताना है। ओजोन है या फिर ऑर्गेन क्लोरीन है इसके अलावा, या फिर लाइकेन है या फिर प्रोटीन है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो जैव आवर्धन लिखा है इसका मतलब क्या होता है, जैव आवर्धन का मीन्स क्या होता है इसकी जानकारी दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका आंसर जी। तो जैव आवर्धन जो होता है, जैव आवर्धन का कारण क्या है, देखिए अनेक प्रकार के जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं जैसे खर पतवार अन्य, वो क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। ये पदार्थ जो होते हैं खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा क्या होते हैं कि ये पौधों व जंतुओं में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते हैं। इनकी सांद्रता जो होती है वो प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए उदाहरण में जैसे DDT, BHC आदि मानव शरीर में श्रृंखला में माध्यम में पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। मतलब ये जो चीज़ें कीटनाशक डाली जाती हैं, हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं, तो वही सब क्या है, वही सब होते हैं जैव आवर्धन, जैव संचय का कारण होता है। तो इसमें से जो ऑर्गेनो क्लोरीन है ये जैव आवर्धन का कारण है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो ये जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है कि भारत के शेयर बाजारों के लिए, जो भारत के शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है, कौन सा प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है, वित्त मंत्रालय है, सेबी है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, या उच्चतम न्यायालय है या फिर RBI है। तो आपको बता दूं कि जो भारत के शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है, तो वो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको सेबी बोलते हैं, SEB इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, वीडियो पे लाइक किया करिए, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस तरीके का वीडियो लगा, आपकी कुछ हेल्प हुई या नहीं हुई, जैसे मैं आगे बेहतर तरीके से आपको NTPC के लिए अच्छा सा मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। अब ये 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 20 क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाए, बाकी आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे पॉलिटी से भी पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से भी पूछा जा रहा है, हिस्ट्री भी आ रही है, तो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेली अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन कथा याद कर रहे हैं तो उसमें आपका ही अच्छा होगा कि आप जो है उसको एक बेहतर तैयारी आपकी हो पाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।